Our next performers, of course, as I mentioned, another very sweet coincidence. कि जिस साल उनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया उसी साल हमारे पद्मश्री कथक एक्सपोनेंट शोभना नारायण जी को भी सम्मानित किया गया था. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस टू शेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट मी इंट्रोड्यूस आवर थिएटर वेटरन एक्टर मिस सोहेला कपूर ऑन स्टेज. Sohaila Kapur ji, related to our evergreen poor eternus Devanand Saab, and Talat Nana has of course sung so many classics for Devanand Saab in his career as well. Thank you so much for being with us. This is good. Absolute pleasure being here. And when we discovered the relationship between the two artists, we were both very delighted. आज भी उन गीतों की कोई मिसाल नहीं है. कुछ लोगों को गलत फहमी थी कि तलत सिर्फ उदासीन गाने ही गा सकते थे. ये कहना गलत नहीं होगा कि वो करुण रस के बादशाह थे, लेकिन ये सोचना कि जोशीले गानों में वो साधारण या मीडियोकर थे गलत होगा. सनिल चौधरी की इस रचना ने लोगों को हैरान कर दिया और आगे जाकर तलत का ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ. Thank you.
से लेकर 70 के दशक तक उन्होंने हिंदी फिल्मी जगत के मशहूर सितारे दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, सुनील दत्त वगैरह के लिए गाया। उन्होंने उस वक्त की बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस नूतन, माना सेना, सुरैया और श्यामा के साथ पर्दे पर भी काम किया। सोने की चिड़िया में वो नूतन के हीरो बने। शूटिंग के दौरान तलत को पता चला कि नूतन ने भी संगीत की शिक्षा ली थी और वो सेट पर उनके गाने बहुत खूबसूरती से गुनगुनाती थी। आइए सोने की चिड़िया का ये क्लासिक कॉम्पोजिशन अब सुनते हैं। Thank you.
लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए
उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। में तलत गुजरे उन्होंने कहा, जब मैं बहुत उदास होता हूं मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। I felt the same when I heard about तलत। तलत एक बहुत हसीन इंसान थे, मुझे बहुत अफसोस है। Yeah, yeah, yeah.
Yeah.
Thank you.
बंबई आखिर सपनों का शहर था और उभरती फिल्म इंडस्ट्री का घर। उसकी फिल्में पूरे देश में लोकप्रिय थी। तलत उस इंडस्ट्री में तब दाखिल हुए जब उन्होंने अपनी पहचान बंगाल में बना ली थी। उस वक्त बंबई के सब बड़े संगीत निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे, उनसे अपने गाने गवाना चाहते थे। संगीतकारों की शुरू शुरू की दिलचस्पी के बाद तलत के लिए संघर्ष का समय आया, वो समय जो किसी को नहीं पहुंचता। गीत और संगीतकार तलत की साफ उर्दू जबान की सराहना तो करते थे, पर उनकी आवाज में जो स्वाभाविक कंपन या ट्रेमर था उसकी आलोचना करने लगे। बंबई में तलत का पहला हिट गाना हुआ। अनिल दा ने उन्हें सहारा दिया और समझाया कि उनकी आवाज की कंपन ही उनकी खासियत है और उसे वो नकारे नहीं। विश्वास के बाद खयाम, एस टी बर्मन, शंकर जयकिशन और नौशाद ने अपने गाने उनसे गवाए। तलत हिंदुस्तान के पहले पार्श्व गायक थे जिनको इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में शामिल किया जाने लगा। पार्श्व गायन के साथ साथ उन्होंने हीरो का रोल 16 फिल्मों में निभाया। शमा और नूतन के किस्से तो आपने हमसे अभी सुने। एक प्यारी सी घटना माला सिन्हा के साथ भी जुड़ी हुई है। वो तलत और बीवी नसरीन के अच्छी दोस्त थे। एक दिन तलत दोनों को बांद्रा के बैंडस्टैंड घुमाने ले गए। मौसम सुहावना था और माला सिन्हा के कमन गाने को हुआ। तलत ने चेतावनी दी कि फैंस उन्हें घेर लेंगे और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तलत ने कहा, अरे माला, कोई देख लेगा। और माला ने हंसकर जवाब दिया,
यही तो हमारा गाना है कि कोई देख लेगा। ये चुलबुला गाना दोनों ने ड्यूएट के रूप में गाया फिल्म एक गांव की कहानी। Thank you.
On your classical kathak on old filmy numbers. Well, first of all, Sahar, I'd like to congratulate you for taking this beautiful initiative of celebrating his centenary year. Wonderful, congratulations to you. I wish everybody had a grandniece like you. And of course, you know, it was really particularly an honor for me when you chose to include me in this beautiful program. We have grown up in that era when Talatji was reigning supreme. So we have grown up with all his songs. And I think a number of songs must be on everyone's lips. Certainly they are on my lips. One knows them by heart. And I think at the drop of a hat, my sister and I could sing a hell of a lot of songs. But what was beautiful is that the kind of journey he had, it really reflects like the highs and the lows and all the different experiences that he had. And I think in a way, the way you have strung this whole narrative together brings about the highs and the lows, the positives, and the various points of view and perspectives to him and his singing and his personality. So congratulations to you, congratulations to the entire family, and thank you for including me in it. And it was also wonderful to have Sohaila ji with me, because the two of us, she with her linkage to the film world through her Mama Ji Devanand, and yours through grand uncle Talatji, my sister and I did meet them when we were little kids. So because we grew up in Bombay, and so it was wonderful. It was a kind of going down memory lane for me. Thank you very much. Thank you for being part of this journey. Thank you to everyone who's been here and since the beginning, and for the support. It is immense support. Of course, we are trying to reintroduce this legacy to youngsters. College students, college boys don't really know his music, and through such platforms we are trying to do that. And immense support from all the artists, the organizations who are on board, and also from the audience. I think one thing is important that these songs bring back the beauty of the lyrics and the beauty of melody, which I think we need to revisit today. Absolutely.